Hello everyone, I am Khushbu Natholia and thank you for coming back to my channel Conceptio Legal. Well, ये bottle मेरे हाथ में है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है ये bottle किसकी होगी, तो शायद आप कहेंगे कि मेरी ही होगी क्योंकि ये मेरे पास है. Similarly, अगर ये book है जो मेरे पास है जिससे मैं पढ़ रही हूँ, तो आपको लगेगा कि ये मेरी book है इसलिए मैं इससे पढ़ रही हूँ, इसलिए ये मेरे पास है. जब तक कोई और आके ये ना कहे कि खुशबू जो तुमने मुझसे बुक ली थी वो रिटर्न कर दो, राइट? सो दोनों ही चीज में कॉमन क्या है कि कोई भी थिंग जो मेरे पोजेशन में है, अगर सामने से कोई देखता है तो उसको लगता है कि वो मेरा है. दैट मीन्स पोजेशन और ओनरशिप को हम साइमल्टेनियसली ट्रीट करते हैं. पोजेशन इज प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ ओनरशिप. बट जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज किसी के पोजेशन में हो तो वो उसका ओनर हो जाता है. जैसे टेनेंट्स जो है वो एक घर में टेनेंटेड हाउस में रहते हैं जिसका ओनर कोई और है, ठीक है? तो ओनरशिप जो है वो ए के पास है और टेनेंट्स के पास पोजेशन है. दैट मीन्स पोजेशन और ओनरशिप दोनों डिस्टिंक्ट है. ऑलराइट, सो आज हम बात करेंगे पोजेशन की. स्क्रीन पे आप कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख सकते हैं पोजेशन की. जब आप इन डेफिनेशंस को पढ़ेंगे तो आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, वो है फिजिकल कंट्रोल. जब भी मैं पोजेशन की बात करती हूँ, ये चीज मेरे पोजेशन में है, ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं इसको फिजिकली कंट्रोल कर रही थी, ये मेरे फिजिकल कंट्रोल में था. सिमिलरली मेरी सेकेंड चीज जो है जो कॉमन है इन डेफिनेशंस में, वो है द कैपेसिटी टू यूज दिस पर्टिकुलर थिंग विच आई पोजेस. मैं इस बॉटल को चाहूँ तो यूज कर सकती हूँ पानी पीने के लिए, चाहूँ तो मैं इसको ऐसे ही रख सकती हूँ, यूज नहीं कर सकती, मेरी मर्जी है. मैं इसको पोजेस करती हूँ, मेरा इस पे एक कंट्रोल है और मैं जैसे चाहूँ इसको वैसे यूज कर सकती हूँ और कोई और इसको यूज ना करे वो भी देख सकती हूँ. अगर कोई मुझसे एक्स आके बोलता है कि क्या मैं आपकी बॉटल एक दिन के लिए ले सकता हूँ, तो अगर मैं चाहूँ मैं उसको हाँ बोल सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको ना बोल सकती हूँ. वहीं अगर कोई ये मुझे बिना बताए ले जाता है तो उस केस में मैं उसको थेफ्ट के लिए लायबल भी करवा सकती हूँ. क्यों? क्योंकि वो मेरी एंजॉयमेंट को, मेरी राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, मुझसे बिना पूछे मेरी चीज जो मैं पोजेस कर रही हूँ उसको लेके जा रहा है, जिसकी वजह से मैं इस पे अपना कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर सकती. तो ये है पोजेशन. पोजेशन जो हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन अ थिंग एंड अ पर्सन, जो उसको कंट्रोल कर सकता है और उसके अंदर वो इंटेंशन है कि वो उसको यूज करे. तो हमने देखा कि हमारे पास दो मेजर चीजें हैं जब हम पोजेशन की डेफिनेशन को देखते हैं. पहला है फिजिकल कंट्रोल और दूसरा है इंटेंशन या मेंटल एलिमेंट. तो इन दोनों को हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन, जो कि है फिजिकल या ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जिसको कॉर्पस पोजेशनिस कहा जाता है, और दूसरा है मेंटल या सब्जेक्टिव एलिमेंट जिसको एनिमस डोमिनी कहा जाता है. पहले बात करते हैं फिजिकल एलिमेंट की. तो जो फिजिकल एलिमेंट है वो पोजेसर का राइट बताता है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू द होल वर्ल्ड. दैट मींस मेरा इसके ऊपर एक कंट्रोल है, इसके साथ जो फिजिकल रिलेशनशिप है वो, और कैसे मैं औरों को रोक सकती हूँ इसको मेरे पोजेशन से हटाने में वो. दैट मींस माय रिलेशनशिप विद दिस ऑब्जेक्ट एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज द मेंटल एलिमेंट जिसको हम इंटेंशन कहते हैं. इंटेंशन टू होल्ड द थिंग फर्स्ट एंड एक्सक्लूड द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, कि कोई और मेरी इस राइट ऑफ पोजेशन में बाधा ना डाले, तो मैं उनको एक्सक्लूड कर सकती हूँ. और इसके लिए लॉ मुझे प्रोविजंस देता है कि अगर कोई ऐसा करता है तो मैं लीगल रेमेडी इन्फोर्स करवा सकती हूँ और अपनी राइट को इंटैक्ट रख सकती हूँ. सो दैट मींस हमारे पास दो एलिमेंट है, पहला फिजिकल और दूसरा मेंटल एलिमेंट.
नाउ कमिंग टू द थ्योरीज ऑफ पोजेशन, सबसे पहले हम बात करेंगे सेविग्ने के। उन्होंने कहा कि पोजेशन जो है वो दो चीज से बनता है। पहला कॉर्पस पोजेशनिस, दैट मीन्स द फिजिकल कंट्रोल ओवर द थिंग, एंड द सेकेंड इज एनिमस डोमिनी विच मीन्स द इंटेंशन टू होल्ड इट एंड इंटेंशन टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। अगर इन दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है तो हमारा पोजेशन नहीं होगा, देन इट विल नॉट अमाउंट टू पोजेशन। फर्दर उन्होंने कहा कि कॉर्पस पोजेशनिस दो चीजों को डिफाइन करता है, सबसे पहला जो हम पोजेशन जहां से कमेंस होगा और दूसरा उसको हम कैसे रिटेन कर सकते हैं, दैट मीन्स मैंने किस दिन इस बॉटल को खरीदा और मैं इसको कैसे रिटेन कर रही हूँ अपने पास, कब तक रिटेन कर रही हूँ वो। ये दोनों ही चीजें हमारे कॉर्पस में आती है। सो अगर दोनों में से एक भी मिसिंग है तो हम उसको पोजेशन नहीं बोल सकते। बट अगर हम इस थ्योरी को माने तो फिर क्या होगा जब एक डेड पर्सन जो है वो अपने डेड बेड पे है, क्या उसके पास वो इंटेंशन है अपने बेड को पोजेस करने की? नहीं। क्यों? क्योंकि वो डेड है। सिमिलरली एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे के एक्शंस में एक्चुअली वो इंटेंशन हो कि उस चीज को वो होल्ड करे और दूसरों को एक्सक्लूड करे वो जरूरी नहीं है। तो ये एक मेजर क्रिटिसिज्म था सेविग्ने की थ्योरी का जो सैलमन ने सामने रखा। सिमिलरली डायस ने कहा कि इंटेंशन और फिजिकल कंट्रोल ये दोनों बस एलिमेंट्स हैं पोजेशन के, ये खुद पोजेशन नहीं है। दैट मीन्स हमें इनको एक्स्ट्रा वेटेज नहीं देना चाहिए और इनको सिर्फ एज अ एलिमेंट ऑफ पोजेशन ही ट्रीट करना चाहिए। द नेक्स्ट थ्योरी इज गिवन बाय सैलमन, जिन्होंने पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ में डिफ्रेंशिएट किया। पोजेशन इन फैक्ट मतलब फिजिकल पोजेशन जो हम देख सकते हैं, जैसे अगर मेरे हाथ में ये बुक है ये फिजिकल पोजेशन है, पोजेशन इन फैक्ट है। सिमिलरली ये बॉटल मतलब कोई भी मटीरियल थिंग्स जो हम देख के पता कर सकते हैं वो है पोजेशन इन फैक्ट। पोजेशन इन लॉ जो हमें लॉ देता है, जो हमें लीगल प्रोविजंस के थ्रू मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस, सक्सेशन। सिमिलरली अगर आप एक प्रॉपर्टी में बहुत समय से रह रहे हैं, यू आर हैविंग अ कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ दैट प्रॉपर्टी लेट्स से फॉर 20 ईयर्स, तो उस केस में हमें लिमिटेशन एक्ट बताता है कि आपका वहाँ पे एडवर्स पोजेशन हो जाएगा। तो ये पोजेशन इन लॉ है जो हमें लीगल प्रोविजंस के थ्रू मिलता है। द नेक्स्ट वॉज कॉर्पोरल एंड इनकॉर्पोरल। कॉर्पोरल पोजेशन जो टैंजिबल थिंग्स के ऊपर है, विच यू कैन सी, विच यू कैन टच, विच यू कैन फील, एंड इनकॉर्पोरल जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, योर डिफेमेशन, राइट, दीज आर सर्टेन राइट्स विच यू हैव, बट इनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ये इनटैंजिबल है, दैट इज इट इज इनकॉर्पोरल। तो सैलमन ने इन पोजेशंस में डिफरेंशिएट किया और हमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजेशंस दिए। अब आते हैं हम काइंड्स ऑफ पोजेशन पे। द फर्स्ट टू जो हमने सैलमन की थ्योरी में पढ़े तो मैं उनको वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगी। द नेक्स्ट इज मीडिएट एंड इमीडिएट। मीडिएट का एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा एक फ्रेंड है जो मुखर्जी नगर में रहता है, तो मैंने उसे कहा कि तुम आते वक्त मेरे लिए बुक ले आना और मैंने उसको उसकी अमाउंट दे दी। अब वो उस बुक को शाम को खरीदता है और अगले दिन 2 बजे मुझे देता है। तो शाम से लेकर 2 बजे तक का जो टाइम है, जब तक वो मुझे नहीं देता, उस टाइम पे मेरा उस बुक के ऊपर मीडिएट पोजेशन है। मैं डायरेक्टली उस बुक को पोजेस नहीं कर रही, बट अपने फ्रेंड के थ्रू उसको पोजेस कर रही हूँ। सिमिलरली जब हम कार पार्किंग में अपनी कीज दे देते हैं, सो दैट्स ऑल्सो मीडिएट पोजेशन। नेक्स्ट इज इमीडिएट पोजेशन। तो अगर मैं अपने फ्रेंड को बोलने की जगह खुद पर्सनली जाकर उस बुक को खरीद लूंगी तो वो हो जाएगा इमीडिएट पोजेशन, जिसपे मेरा एक्चुअल पोजेशन है बिना किसी थर्ड पर्सन के इंटरवेंशन पर।
duplicate possession, which you can see in the case of tenant, mortgage, co-owners, so on and so forth. Next, possession. जो मैंने आपको की वाला एग्जाम्पल दिया कि हम पार्किंग के लिए जाते हैं, अपनी की को हम पार्किंग वाले भैया को दे देते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम, तो उसके ऊपर हमारा कंस्ट्रक्टिव पोजेशन हो जाते हैं. हम डायरेक्टली उस की को उस टाइम पे पोजेस नहीं करते, बट किसी और के थ्रू पोजेस करते हैं. जैसे ही हम हमारे काम खत्म होने के बाद वापस आएंगे, हम अपनी कीज को वापस ले लेंगे. तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव पोजेशन. एंड फाइनली एडवर्स पोजेशन. एडवर्स पोजेशन, जैसे आपके लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को एक सर्टन पीरियड के लिए इंजॉय कर रहे हो, पोजेस कर रहे हो, तो आपको उसका एडवर्स पोजेशन दे दिया जाता है. जैसे आपका लिमिटेशन एक्ट डिफाइन करता है कि अगर आप 30 इयर्स तक किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं, तो फिर आपका उस पर एडवर्स पोजेशन हो जाएगा. सिमिलरली 20 इयर्स हमें एडवर्स पोजेशन के लिए दिया गया है फॉर अदर प्रॉपर्टीज अदर देन द गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज. सो हमारे लिमिटेशन एक्ट में लिमिट्स डिफाइन है, जितने में अगर आप किसी प्रॉपर्टी को यूज करते हो, इंजॉय करते हो विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, तो आपका उसके ऊपर एडवर्स पोजेशन बन जाता है. फाइनली लेट्स कम टू मोड्स ऑफ एक्वायरिंग पोजेशन. हम पोजेशन कैसे ले सकते हैं? अगर ये यहाँ है, मैं इसको कैसे पोजेस कर सकती हूँ? इसको लेकर, बाय टेकिंग इट अवे, सिंपली, राइट? बट अगर ये ऑलरेडी मेरी थी, तो अगर कोई और इसको लेगा, तो वो उसको डेरिवेटिव टेकिंग कहते हैं. मतलब मैंने अपना पोजेशन किसी और को दिया है. वन पर्सन ट्रांसफर्स द पोजेशन टू अनदर पर्सन, दैट इज डेरिवेटिव पोजेशन. बट अगर कोई चीज है जो पहले किसी और ने ओन ही नहीं करी, विच इज रेस न्यूलेस, जिसका कोई ओनर नहीं है, जिसका कोई पोजेसर नहीं है, और आप उसके फर्स्ट पोजेसर बनते हो, तो उस केस में वो होता है ओरिजिनल टेकिंग. मतलब आप उसके ओरिजिनल पोजेसर बन जाते हो. तो ये हुई हमारी दो टाइप की टेकिंग, ओरिजिनल एंड डेरिवेटिव. नेक्स्ट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया एडवर्स पोजेशन का, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ. सिमिलरली इनहेरिटेंस लॉज, सक्सेशन के थ्रू आप जब प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, वो हमारे ऑपरेशन ऑफ लॉ का हिस्सा बनता है. एंड द फाइनल इज बाय डिलीवरी. या तो मैं एक्चुअल डिलीवरी कर सकती हूँ, खुद से ये दे सकती हूँ आपको, या फिर कंस्ट्रक्टिव, दैट मीन्स मैं अपने फ्रेंड को बोल सकती हूँ कि वो आपको आके ये बॉटल दे दे, तो वो होगा कंस्ट्रक्टिव, जब मैं किसी सेकेंड बंदे के थ्रू वो आपको डिलीवर कराती हूँ. सो दीज आर द थ्री मोड्स ऑफ एक्वायरिंग पोजेशन, टेकिंग बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड बाय डिलीवरी. So that's all about possession. I hope you like the video. If you have any doubts, please put them below in the comment section, and do like, share and subscribe the video. Thank you so much, and I'll see you in the next video. Bye bye.